हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धनंजय चौहान, कॉस्मेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, क्लियर स्किन एंड हेयर एमडी पुणे। हाइपर पिगमेंटेशन के पार्ट टू वीडियो पे आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारा पार्ट वन वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, लिंक ये वीडियो की जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी है। इस वीडियो में हम हाइपर पिगमेंटेशन के अलग अलग टाइप्स कैसे होते हैं ये देखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइपर पिगमेंटेशन और हाइपर पिगमेंटेशन के कॉजेस के बारे में फिर एक बार चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं, पहला टाइप है हाइपर पिगमेंटेशन टाइप्स और इंडियन स्किन टाइप में बहुत ही ये हाइपर पिगमेंटेशन का टाइप है वो फोटो पिगमेंटेशन, फोटो हाइपर पिगमेंटेशन या फोटो टैनिंग। जैसे कि हमें पता है जब हमारी स्किन धूप से एक्सपोज्ड हो जाती है तो हमारे स्किन में मेलानिन प्रोडक्शन बढ़ जाता है और इसी वजह से हमारी स्किन सांवली गिर जाती है, टैन हो जाती है, डल हो जाती है। मेलानिन पिगमेंट धूप की किरणों को एब्सॉर्ब करता है, उन्हें कुछ हद तक रोकता है और धूप के ओवर एक्सपोजर से होने वाले साइड इफेक्ट्स को कम करने की या इवन अवॉइड करने की कोशिश करता है। जब हमारे स्किन धूप के अल्ट्रावायलेट बी रेस से एक्सपोज रहती है तो हमारे स्किन पर फोटो डैमेज होता है, स्किन पिल ऑफ बर्न होती है और फोटो एजिंग हो जाती है ए और बी में से। जो लोग धूप में ज़्यादा देर रहते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, उनके सन से एक्सपोज्ड बॉडी पार्ट जैसे कि फेस, हैंड्स, फीट्स, नेक, बाकी के बॉडी से ज्यादा टैंड या सावले या पिगमेंटेड होते हैं। देखिए, जब आप बहुत टाइम के लिए धूप में रहते हो तो आपको सनबर्न भी हो सकते हैं क्योंकि आपके स्किन के एपिडर्मल सेल्स इन अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए रेज को एब्सॉर्ब करते हैं। इनफैक्ट अल्ट्रावायलेट रेज सुबह 10 से लेकर शाम के 4 बजे तक काफी स्ट्रॉन्ग रहते हैं या हानिकारक लेवल पे हो सकते हैं। इस समय अगर आप बाहर रहेंगे तो नेचुरली आपकी बॉडी आपको नेचुरली प्रोटेक्ट करने का काम करेगी जिससे आपकी स्किन हाइपर पिगमेंटेड या टैन हो सकती है क्योंकि मेलानिन पिगमेंट ज्यादा बन जाता है। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि अल्ट्रावायलेट ए रेज के कारण स्किन में बसा हुआ प्री एग्जिस्टिंग मेलानिन का रीडिस्ट्रीब्यूशन और ऑक्सीडेशन होके और टैनिंग हो सकता है। आपकी स्किन टेम्पररली कुछ घंटों के लिए, कुछ दिन या कुछ हफ्तों के लिए और ज़्यादा काली पड़ सकती है। यूवी ए और यूवी बी रेज के एक्सपोजर की वजह से मेलानिन प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ता है जिससे टैनिंग देर से हो सकती है, इमीडिएट नहीं, देर से भी दिख सकती है। अभी अगला टाइप है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि PIH, स्किन पर किसी भी इन्फ्लेमेटरी या इंजरी, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस या इंजरी की वजह से ये पिगमेंटेशन हो सकता है। जब आपके स्किन पर कोई भी इंजरी होती है तो आपकी स्किन उस इंजरी को हील करने के लिए अपना नेचुरल हीलिंग प्रोसेस शुरू कर देती है और इस प्रोसेस के दौरान इंजरी की साइट पे स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है या फिर एग्जिस्टिंग जो मेलानिन है उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। PIH हमारे इंडियन स्किन टाइप में तो बहुत ही कॉमन है, कुछ लगा तो यूजुअली काला पड़ने के चांसेस रहते हैं। बॉडी ट्राई टू प्रोटेक्ट। पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन स्किन की ऊपरी लेयर से लेके स्किन की लोअर लेयर तक भी हो सकता है। यह पिगमेंटेशन इंजरी के बाद तो होता ही है लेकिन यह कुछ स्किन कंडीशन में यानी कि सिबोरिक डर्मेटाइटिस, सिबोमेलानोसिस, टिनिया वर्सिकुलर जैसे सुरमा जैसे प्राइमरी डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है PIH। इनफैक्ट PIH कॉमनली एक्नी के बाद भी होता है, इवन पिंपल्स को छेड़ने के बाद, एक्नी एक्सकोरिया के बाद भी दिखाई दे सकता है, खासतौर पर डार्क स्किन में ये कॉमन है। अगला टाइप है मैचुरेशनल डिस्क्रोमिया। मैचुरेशनल डिस्क्रोमिया एक ऐसा कंडीशन है जिसमें फोरहेड, चिकबोन पे
हाइपरपिगमेंटेशन दिखाई देता है। इस टाइप का पिगमेंटेशन साला सालों के बाद के सन एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, बहुत इयर्स टुगेदर सन एक्सपोजर। यह कंडीशन कई बार मेलाज्मा या फेशियल पीआईएच की तरह मिसडायग्नोस हो सकती है। इससे सनस्क्रीन, स्किन लाइटनिंग एजेंट, एंटीऑक्सीडेंट, इवन माइक्रोडर्माब्रेजन केमिकल पील से हम ट्रीट करने की कोशिश करते हैं और बहुत बार सक्सेसफुल होते हैं। अभी अगला टाइप है पेरियोऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन। पेरियोऑर्बिटल हाइपरपिगमेंटेशन को मेडिकली स्पीकिंग तो कई सारे अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन कॉमनली इसे हम अंडराई डार्क सर्कल बोलते हैं या डार्क सर्कल बोलते हैं। सिर्फ डार्क सर्कल के कई सारे अलग अलग कारण हैं। डार्क सर्कल के कॉजेस आइदर इंटरनल शरीर से या एक्सटर्नल रीजन की वजह से हो सकते हैं। कई बार इंटरनल रीजंस जेनेटिक रहते हैं या फैमिलियल पिगमेंटेशन अराउंड आईज हो सकता है। इसके अलावा एक्सेसिव वैस्कुलैरिटी यानी यहाँ का ब्लड सप्लाई ज़्यादा होना, वेन ज़्यादा दिसना, सुपरफिशियल वैस्कुलेचर, लार्जर वेन, संकन, विटामिन के की डिफिशेंसी, फेशियल स्ट्रक्चर, सडन लॉस ऑफ फैट, थिन स्किन, इंफ्राऑर्बिटल स्वेलिंग और डर्मल मेलानोसाइटोसिस स्किन जैसे डिसीज और भी रहते हैं, यानी अटोपिक डर्माटाइटिस, विटामिन डिफिशियंसीज, प्री मैच्योर एजिंग, रिंकल्स, इसी सभी वजह से डार्क सर्कल हो सकते हैं। लेकिन ये एक्सटर्नल कारणों की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि एक्सेसिव सन एक्सपोजर, एयरबॉर्न कॉन्टैक्ट, एलर्जिक डर्माटाइटिस, फटीग, आंखों पर एक्सेसिव स्ट्रेन, नींद नहीं अच्छी होना, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, हार्मोनल पील्स और इम्प्रॉपर न्यूट्रिशन, हमेशा सिस्टम के सामने, कंप्यूटर के सामने रहना, और ये यूजुअली लोअर आईलिड पे हो जाता है या फिर इवन ब्लू वेन की वजह से ब्लूइश डिस्कलरेशन भी दिखता है। लोअर आईलिड पे ब्राउन ब्लैक हाइपरपिगमेंटेशन भी हो सकता है और साथ ही साथ आईज के आसपास के मसल भी हमारे ड्रूप हो सकते हैं, सैग हो सकते हैं, उसकी वजह से और ज़्यादा डार्क सर्कल दिखते हैं। बेसिकली ये मेनली लाइफस्टाइल कंडीशन है जिससे लाइफस्टाइल सुधार कर और ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन स्किन लाइटनिंग क्रीम, केमिकल पील के साथ ये कम भी हो सकते हैं या ट्रीट हो सकते हैं। और एक्सट्रीम केसेस में फ्रैक्शनल आरबीएम याग लेदर, फ्रैक्शनल CO2 लेदर, आरबीएम ग्लास लेदर, क्यू स्विच एंडियाग लेदर, एटोलगस फैट का ट्रांसप्लांट करना, फैट ग्राफ्टिंग, ब्लेफ्रोप्लास्टीज, डर्मा रोलर, PRP, फिलर जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इसे ट्रीट भी किया जा सकता है। अगला टाइप है रील्स मेलानोसिस। रील्स मेलानोसिस या पिगमेंटेड कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में स्किन पर ब्राउन ग्रे कलर के डर्मल मेलानिन पिगमेंट का डिपॉजिट दिखने लगता है। यह पिगमेंटेशन कॉस्मेटिक की चेंज या यूजेस की वजह से भी हो सकता है। इस टाइप के पिगमेंटेशन में आपके स्किन पर रेडनेस और अनयूजुअल स्क्रैचिंग सेंसेशन भी हो सकता है। ये पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए एलर्जीज को अवॉइड करना जरूरी है। रील्स मेलानोसिस सन प्रोटेक्शन, स्किन लाइटनिंग क्रीम और केमिकल पील से यूजुअली ट्रीट हो सकता है या इवन लेजर लो लेवल में यूज कर सकते। बहुत बार एक टाइप 5 स्किन में, यानी हमारे इंडियन स्किन टाइप में, एशियन टाइप में के स्किन में और एक पिगमेंटेशन की वैरायटी कॉमन है, उसे बोलते हैं मेलाज्मा, झुर्रियाँ। मेलाज्मा एक ऐसा पिगमेंटेशन है जो ज़्यादातर चीक्स, नोज, फोरहेड, अपर लिप और मैंडिबुलर एरिया पे दिखाई देता है। इंडियन स्किन मेलाज्मा को ज़्यादा प्रोन है, ये तो है ही, और तो और महिलाओं में मेलाज्मा ज़्यादा कॉमन है। इट इज़ हेडेक फॉर पेशेंट ऑल्सो एंड डॉक्टर ऑल्सो। मेलाज्मा के कॉमन कॉजेस है अनप्रोटेक्टेड सन एक्सपोजर, धूप का ओवर एक्सपोजर, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पील, स्ट्रेस, हार्मोनल फ्लक्चुएशन, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, बहुत सारे कॉजेस है। मेलाज्मा को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है क्योंकि यह कंडीशन प्रेगनेंसी में होने वाले हार्मोनल फ्लक्चुएशन से भी हो सकती है, उसे कोलाज्मा बोलते हैं। मेलाज्मा में सेंट्रल फोरहेड चिक्स पर ब्लॉची सिमेट्रिकल लाइट टू ब्राउन पैचेस आते हैं, लेकिन अगर आपको पिगमेंटेशन
जॉलाइन के नीचे हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो वो मेलानमा नहीं है। मेलानमा के अलग अलग टाइप्स है जो मेलानिन के लोकेशन पर आधारित है। जब मेलानमा इपिडर्मल होता है तो पिगमेंट लाइट ब्राउन होता है, लाइट पिगमेंटेशन होता है, और वो मार्जिनल होता है। डर्मल मेलानमा में पिगमेंट डीप होता है, डर्मल लेयर में होता है, और वो ग्रे ब्राउन दिखता है, और यह टाइप पुअरली डिफाइंड होता है। मिक्स टाइप में मेलानिन इपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जगह दिखता है। इपिडर्मल टाइप काफी सुपरफिशियल होता है और इजीली ट्रीट करने के लिए भी कंपैरेटिवली इजी है और ट्रीट भी होता है। सिंपल ट्रीटमेंट से वो निकल भी सकता है और फोटो प्रोटेक्शन ले लिया तो रिकर भी नहीं होता। मेलानमा को ट्रीट करने के लिए कॉम्बिनेशन अप्रोच किया जाता है, एक ही ट्रीटमेंट सफिशिएंट नहीं। टॉपिकल स्किन लाइटनिंग एजेंट्स, केमिकल पील्स, लेजर थेरेपी और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन जरूरी है। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन और टॉपिकल मेडिकेशन रिकमेंड किया जाता है। सेकंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में केमिकल पील्स और लेजर्स एंड लाइट थेरेपीज हम रिकमेंड करते हैं। इवन जिन महिलाओं में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव की वजह से मेलानमा दिखाई देता है, उन्हें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेना बंद करने की हम सलाह देते हैं। मेलानमा ट्रीट हो सकता है, लेकिन इस कंडीशन का मेन प्रॉब्लम यह है कि वो बार बार वापस आने के बहुत चांसेस होते हैं, यानी कि वो रिकरिंग होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए इसे वापस आने से रोकने के लिए मेंटेनेंस और स्ट्रिक्ट सन प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो आपके हाथ में है। आपको ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन विद एसपीएफ 30 और PA++ ऐसा प्रोटेक्शन लेना बाहर जाते वक्त, और भी यानी हर दो दो घंटे में सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। इवन आपको स्कार्फ, टोपी, सनकोट, ग्लोव, अम्ब्रेला इससे ढकना या स्ट्रोल यूज करना भी जरूरी है। फिजिकली प्रोटेक्ट करो। और अभी अगला टाइप है एक्सोजेनस ऊक्रोनोसिस, स्पेशली मेलानमा में। इन टाइप ऑफ हाइपरपिगमेंटेशन में कोई भी फॉरेन सब्सटेंस की वजह से डर्मिस में होमोजेनिटिक एसिड डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से मैक्युलर और पैप्युलर हाइपरपिगमेंटेशन हो जाता है। इस पिगमेंटेशन में चेहरे पर, साइड पे ब्लैक और नेक पे भी हो जाता है। यह पिगमेंटेशन हाइड्रोक्विनोन, रिसोर्सिनॉल, फिनॉल, मर्क्यूरी या पिक्रिक एसिड्स की इस्तेमाल की वजह से हो जाता है। ऊक्रोनोसिस में स्किन पर ब्लू बैक ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाता है। इसे ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत डिफिकल्ट है। कुछ केसेस में डर्मैब्रेजन, फ्रैक्शनल आरबीएम या फ्रैक्शनल माइल्ड फ्रैक्शनल CO2, लेजर, ग्लाइकोलिक पील और क्यू स्विच एंडियाग लेजर के साथ साथ कुछ हद तक रिजल्ट आ सकते हैं। अभी अगला पिगमेंटेशन का टाइप है एकेंथोसिस निग्रिगांस। एकेंथोसिस निग्रिगांस में बॉडी फोल्ड और क्रीजेस में डार्क वेलवेटी पैचेस दिखते हैं। इवन नेक, मोस्ट कॉमनली ये कंडीशन फोरहेड, नेक, एक्जिला, आर्म्स के बीच, अराउंड नेक या पोस्टीरियर नेक, ऐसे रीजन पे रहता है। साथ ही साथ ये चेहरे पे दिखा है, थोड़ा सा वजन ज़्यादा रहता है। डार्कनिंग के इसका साथ स्किन भी थिक हो जाती है। एकेंथोसिस निग्रिगांस इंसुलिन रेजिस्टेंस, हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस और ओबेसिटी के कारण होता है। अनफॉर्चुनेटली इस कंडीशन के लिए एज सच कोई भी 100% क्योर करने वाला ट्रीटमेंट नहीं है। कोई भी थेरेपी अंडरलाइन डिसीज प्रोसेस को ट्रीट करने की कोशिश करती है। पहली मेनली वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन, वेट रिडक्शन, डाइटरी करेक्शन, अवॉइडेंस ऑफ हाई ग्लाइसेमिक या स्वीट फूड्स, फास्ट फूड, एक्सरसाइज करना चाहिए, लाइफस्टाइल चेंजेस वगैरह। और कुछ केसेस में हम टॉपिकल ट्रेटिनॉइन ट्रिपल कॉम्बिनेशन फॉर डीप पिगमेंटेशन, ऐसे क्रीम, सनस्क्रीन, सैलिसिलिक एसिड जैसे टॉपिकल मेडिकेशंस इफेक्टिव रिजल्ट दे सकते हैं। अभी अगला टाइप हम सोचते हैं डर्मेटोसिस, पेपुलोजा, नायग्रा और सिबोरिकीट क्रियाटोसिस, DPN जिसे बोलते हैं। ये ऐसा कंडीशन है जिसका कॉज अभी तक नोन नहीं है, लेकिन DPN में 1 से 2, 3 या 4, 5 मिलीमीटर के रेज
पिगमेंटेड पैप्यूल्स रहते हैं जो फोरहेड, अराउंड आईज, चीक्स, नेक, चेस्ट और बैक पर भी दिखाई देते हैं। डीपीएन है गोरे लोगों में बहुत ऑड दिखता है। डीपीएन काफी अर्ली हो सकता है और फैमिलियल टेंडेंसी होने के चांसेस इनमें ज्यादा रहते हैं कंपेयर टू सिबोरिक केराटोसिस। लेकिन अदरवाइज दोनों स्किन कंडीशन काफी सिमिलर है, सिबोरिक जरा बड़ा रहता है। डीपीएन टीन एज में आ सकते हैं और एज के साथ वक्त के साथ बढ़ते हैं। कभी कभी ये लीजन्स इची हो सकते हैं, सिबोरिक लेट आते हैं। ट्रीटमेंट जनरली कॉस्मेटिक पर्पज के लिए हम करते हैं। डिसपिगमेंटेशन की रिस्क अवॉइड करने के लिए प्रॉपर स्किन केयर लेना जरूरी है और प्रॉपरली वो सुपरफिशियली निकालना जरूरी है। ट्रीटमेंट के लिए स्निप एक्सीजन, इवन क्यूरेटाज, इलेक्ट्रोडेसिकेशन, लाइट क्रायोथेरेपी और लेजर डिस्ट्रक्शन जैसे ट्रीटमेंट मोडलिटीज करते हैं और रेडियो फ्रिक्वेंसी करते हैं। फिर आता है अभी न्यूस ऑफ ओटा। यह एक टाइप का बर्थ मार्क है जो चेहरे पर दिखाई देता है, इवन आईज में भी दिखाई देता है और सावले स्किन टाइप में ज़्यादा दिखाई देता है। ये पिगमेंटेशन ब्लूइश ग्रे रहता है। ये लीजन इन्फेंसी के दौरान दिखते हैं, 1 से 11 साल की उम्र के बीच या 12 साल की उम्र के बीच में आते हैं। इनका ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी इरेगुलर होता है और साइज कुछ सेंटीमीटर से लेके बहुत बड़ा भी हो सकता है। न्यूस ऑफ ओटा को सक्सेसफुली ट्रीट किया जा सकता है आजकल क्यूसवी, चंडिया ग्लेदर, एलेक्जेंड्राइड और इवन काफ़ी इफेक्टिव मॉडलिटीज है क्यूसवी चंडिया ग्लेजर्स। अभी एडवांस पीको सेकंड लेजर भी अवेलेबल हो गए तो इसकी ट्रीटमेंट अच्छी होते हैं। पिगमेंट रिड्यूसिंग लेजर अगर प्रॉपरली कंडीशन पेशेंट में CO2 लेजर के साथ कंबाइन करते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट जल्दी आ सकते हैं। फ्रैक्शनल CO2 और क्यूसवी चंडीएग लेजर। तो ये थे अलग अलग हाइपर पिगमेंटेशन के टाइप। कुछ हाइपर पिगमेंटेशन टाइप्स को मेडिकली अच्छे रिजल्ट के साथ ट्रीट किया जा सकता है। कुछ के लिए यह हाइपर पिगमेंटेशन के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ लेजर की ट्रीटमेंट भी करनी पड़ती है और कुछ में ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमसे कहते हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन को सिर्फ स्क्रबिंग या एक्सफोलिएशन से कम क्यों नहीं किया जाता। आंसर सिंपल है, हमारे स्किन में बेजल लेयर से इपिथेलियल सेल्स तैयार होकर मैच्योर केराटिनाइज होकर स्किन के ऊपरी लेयर तक मेलानिन के साथ आते रहते हैं। स्किन का काम करने के बाद ये फुल्ली केराटिनाइज होकर मर जाते हैं और स्किन के सरफेस पे हजारों सैकड़ों लाखों डेड स्किन सेल्स एक दीवार तैयार कर देते हैं। वो अंदर के लाइव स्किन सेल को, उसके DNA को और अंदर के इम्पोर्टेंट सेल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं। देन स्लोली स्किन एक्सपोलिएट होती है। दिस इज द नॉर्मल फिनोमिनन। पिगमेंटेशन ऊपर से नीचे तक होता है। सो ये मेलानिन ऊपरी लेयर से लेके अगर कभी बेजल लेयर को अंदर तक जाता है ड्यू टू एनी रीजन, डर्मिस में जाता है ड्यू टू इंजरी, एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ट्रॉमा टू बेजल सेल लेयर या कुछ ऑटोइम्यून डिसीज में ब्रेकेज ऑफ डर्मोइपिडर्मल जंक्शन या इन्फ्लेमेशन, तो ये मेलानोसाइट डर्मिस में घुस जाते हैं। वो तो उनका नॉर्मल हैबिटेट नहीं है और वहाँ मेलानिन पिगमेंट बनाने लगते हैं। मेलानिन पिगमेंट डर्मिस में ही अटक जाता है, वो ऊपर एक्सफोलिएट नहीं होता, तो फिर डर्मल पिगमेंटेशन हो सकता है, डीप में पिगमेंटेशन होता है। और इसलिए आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको कई बार ये कहते हैं कि पिगमेंटेशन बहुत बार नीचे के डर्मल लेयर तक होता है और उसका ट्रीटमेंट डिफिकल्ट है। बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपको ट्राई करने पड़ते हैं और इसलिए पिगमेंटेशन को सही तरह से लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के साथ टॉपिकल मेडिकल क्रीम, मेडिसिनल क्रीम या इवन वेरियस प्रोसीजर्स, लाइट लेजर्स के साथ ट्रीट करना जरूरी है। अब हम वीडियो के अगले हिस्से में यानी Part 3 में हाइपर पिगमेंटेशन ट्रीटमेंट्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप इस वीडियो अगले वीडियो को भी जरूर देखेंगे। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो लेट अस सी 3rd पार्ट। ऑल द बेस्ट।